पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। दरअसल मामला जालौन के डकौर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराध और अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज पुलिस और एसओजी की टीम ने असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां छापेमारी कर अवैध तमंचा बना रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने 11 अवैध तमंचे, 3 अर्धबने तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। जालौन से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। साइलेंस प्लीज। सर, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्या है पूरा मामला? जनपद जालौन में साथियों, जैसे आप लोग अवगत हैं, अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जो शासन और सरकार की मंशा है क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उसी कड़ी में जालौन की एसओजी को व डकोर पुलिस को सफलता मिली है अपराध के खिलाफ। आज एक शस्त्र, अवैध शस्त्र तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 14 बने हुए और अधबने तमंचे बरामद किए गए। इंटरोगेशन में जो पता चला है, यह अन्य जिलों के अपराधियों को ये तमंचा बेचने की फिराक में था। एसओजी को ये इन्फॉर्मेशन मिली, एसओजी ने उस पर वर्क किया और इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया, इससे पहले कि ये तमंचे ये अपराधियों को बेच पाता। आगे जो इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, ये जो अभी हाल में ही पकड़ा गया था, कल उसी का आगे का फॉलोअप है या ये नया एक? जैसे आप लोग अवगत हैं, कल भी जनपद जालौन में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी। ये उस कड़ी का नहीं है, ये अलग है, ये अलग आदमी है, इसका अलग गैंग है। वो अलग गैंग था जो कल जेल भेजा गया था, ये दूसरा गैंग है। सर, ये इतने सारे तमंचे सर एक ही व्यक्ति बना रहा था या इसके और भी? इसके इंटरोगेशन से कुछ और नाम भी आए हैं, जिनके लिए हमने टीमें लगा रखी हैं और उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। पूरा का पूरा गैंग जेल में जाए। सर, इसका कोई आपराधिक पहले से ये बनाता था या इसका आपराधिक इतिहास है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसकी लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। बाकी जिलों से भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है। जितनी क्रिमिनल हिस्ट्री आएगी उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। इनाम सर क्या दे रहे हैं? जो गिरफ्तारी की है टीम ने और ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है, उसके लिए डीआई साहब की तरफ से 25,000 का इनाम एसओजी की व एसएचओ डकोर की टीम को दिया जाएगा। सर, पिछले 5 सालों में 5 बार फैक्ट्री का खुलासा हो चुका है, चुनाव के मद्देनजर इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई की जाती है, आखिर इनके ग्रोह को क्यों निकलता है? ये जब चुनाव आते हैं और जब डिमांड आती है उस हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं। चुनाव के समय ये लोग सोचते हैं कि डिमांड बढ़ेगी, उस हिसाब से ये लोग बना के रखना तैयार करते हैं। मगर इससे पहले कि ये लोग ये अवैध तमंचे बेच पाएं, दूसरों को दे पाएं, उससे पहले ही हमने इनको गिरफ्तार कर लिया।